हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लान। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स टेक्निक्स और मेथड्स। ये हमारा टेक्निक्स और मेथड्स पे फोकस होने वाला है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ये समझते हैं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल होने चाहिए, एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, एंड डूइंग द राइट थिंग्स। इसका मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा पता चलता है। और सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं, क्या उनकी कैपेबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए वो भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पता लगाते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द राइट नंबर, द राइट काइंड ऑफ पीपल, एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, टू डू थिंग्स विच रिजल्ट्स इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल कम, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका भी पर्सनल गोल कम्प्लीट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि हमारे पास राइट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द कंपनी टू मेंटेन अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज व्हाइल अवॉइडिंग एम्प्लॉय शॉर्टेज और सर्विस। इससे क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, ना ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयज वो सिचुएशन होती है जबकि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, विच मीन्स विच इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिना किए भी चल सकता था, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हो जाती, ठीक है। और कम एम्प्लॉयज भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कम एम्प्लॉयज तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं पे हैम्पर हो। तो दैट इज वाई वी शुड हैव द एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर ना हो और हमारा एक्सपेंडिचर भी एक्स्ट्रा ना हो। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान हमारा ये भी पर्पस सॉल्व करता है। नाउ हैविंग अ गुड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रेटजी इन प्लेस कैन बी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ कंपनी। जिससे क्या होगा, एक हमारा अगर राइट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बनेगी, बिकॉज हम कोई फालतू एक्सपेंडिचर भी नहीं करते। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमारा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए। जैसे मान लो कि अभी जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है उसमें हमें 40 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होते हैं, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है ना वो स्टार्टिंग में ही होता है। अभी हमारे पास 40 एम्प्लॉयज है, हो सकता है एक महीने के बाद में 3-4 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, उसके बाद में एक दो एम्प्लॉयज रिटायर होने की स्टेज पे आ जाए, कुछ एम्प्लॉयज को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाए, तो वी हैव टू कीप एन आई, हमें हमेशा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आई रखनी पड़ती है कि कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंजेस के लिए हम कैसे प्रोविजन करेंगे, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन, एक्स्ट्रा एंड शॉर्टेज, दोनों ही सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स सिचुएशन। और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये भी देखना होता है, मान लो कि 2 महीने के बाद में या नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लान है, वो कुछ एक्सपेंशन करेगी, वो इसी लोकेशन पे एक्सपेंशन करेगी या कहीं और जाके एक्सपेंशन करेगी, तो उसके लिए भी उसे ध्यान रखना पड़ता है कि कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह के एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे, कौन सी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज उनमें चाहिए होगी, और उनको हायर करने के लिए हमारी मार्केट में वो सारी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं। तो आज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक्चुअली मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मिल जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है उसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी, यू कैन राइट टू मी ऑन माय कमेंट। Now, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। नाउ देखो, जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो जाता है, हमें पता चल जाता है इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में,
अगर डेफिसिट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अगेन सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं। तो नाउ एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये कैसे पता लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को फोरकास्ट करना पड़ता है। तो वो हम कौन कौन से मेथड से करते हैं, ये हम आज कल पढ़ेंगे। देखो जो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट मीन्स मैनेजर अपनी तरफ जजमेंट लगाता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर एचआर डिपार्टमेंट में या फिर आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज और रिक्वायर्ड होंगे। तो वो क्या होता है, उसकी जजमेंट होती है, वो अपनी तरफ से। मान लो आईटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और जितने कंसर्न डिपार्टमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कर सकते हैं, दे कैन हैव देयर मीटिंग एंड दे कैन डिसाइड कि हमें ये काम पूरा करना है, ये काम पूरा करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए और वो उन एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। लेकिन दे विल आल्सो सर्च आउट कि कौन सी कैपेबिलिटी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली दे कैन डेवलपमेंट होते वो एम्प्लॉयज को तैयार कर सकते हैं। इसमें भी हमारे दो दो चीज होते हैं मैनेजमेंट जजमेंट में। देखो एक होता है द बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप्रोच इसकी बॉटम बॉटम अप, हमारा एरो के साइड जा रहा है बॉटम से अप की ओर, ठीक है स्टूडेंट इसको समझना, बॉटम से अप की ओर व्हिच मींस अपवर्ड डायरेक्शन। तो बॉटम अप अप्रोच मींस जो एम्प्लॉयज को काम करना होता है बेसिकली वो मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग का काम सेल्स से एम्प्लॉय से करेंगे। जो सेल्स पीपल है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं अपनी टीम में, डिसाइड करते हैं कि उनको जितना काम करना है, मान लो कि 1000 यूनिट्स अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है इस मंथ एंड का सेल्स का, तो वो क्या करेंगे कि दे विल से चेकआउट कि 1000 यूनिट्स हमें बेचने हैं तो उसके लिए कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए होंगे ताकि हम उस डेटा को पूरा दें। दे विल डू फोरकास्टिंग, दे विल डू एस्टिमेशन कि उसके बेसिस पे वो अपने सीनियर्स को बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो बॉटम अप्रोच मींस कि जो लोअर लेवल है जिनको काम करना होता है उनसे सजेशंस लिए जाते हैं और वो अपने रिक्वायरमेंट बता देते हैं, तो उसे दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मींस जैसे कि इसमें हमारा जो टॉप डाउन मींस एरो नीचे की ओर बढ़ता है, विच मीन्स कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजरल पीपल होते हैं, वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। मान लो एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, दिस प्रोडक्शन मैनेजर, दो तीन चार मैनेजरों ने मिला और उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद में डिसाइड कर लिया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें रिक्वायर्ड होंगे इस काम को पूरा करने के लिए, और वो दैट इज द डिसीजन, दैट इज विच मीन्स दैट इज द नंबर एंड द कैपेबिलिटीज दैट इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें एक और थर्ड एस्पेक्ट हमारा आता है दैट इज की पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट होता है और जो हमारा एम्प्लॉयज होते हैं दोनों ही बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं, वो लोग अपने अलग अलग डिस्कशंस नहीं करते। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टॉप अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच वाले का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वो सारे ही लोग एक साथ मिलके बैठ के डिस्कशंस करते हैं, देन दे विल डिसाइड, जिसे हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच कहते हैं, जिसमें कि वो दो चारों वो दोनों ही टीम मिलके डिस्कस करते हैं, देन दे विल गेट आउट विद व्हाट फिगर एंड द कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स दैट इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए होंगे वो डिस्कस हो जाता है। दिस अप्रोच इज अप्लाइड टू, मतलब आजकल के ट्रेंड में तो हम कहेंगे कि दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच, क्योंकि ये हमारा सबसे इजीएस्ट अप्रोच है जिसमें कि जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे कितने एम्प्लॉयज कितना काम खत्म कर लेंगे, तो उनकी जजमेंट के बेसिस पे एम्प्लॉयज हायर कर लिए जाते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इज अप्लाइड बाय स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, द बॉटम अप अप्रोच and the top-down approach. Under the bottom-up approach, line managers send their departmental requirement of human resources to top management. जो managers होते हैं, line managers होते हैं, वो अपने seniors को requirement भेजते हैं. Top management ultimately forecasts the human resource requirement for the overall organization based on proposals from departmental heads. ठीक है, departmental heads के पास में, management के पास में जाता है, management उस decision को
ले लेता है, ठीक है। अंडर द टॉप डाउन अप्रोच, टॉप मैनेजमेंट फोरकास्ट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर देयर रिव्यू एंड अप्रूवल। हाउएवर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस, पार्टिसिपेटिव अप्रोच शुड बी अप्लाइड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। अंडर दिस अप्रोच टॉप मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड्स वी डिड डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, सो द डिपार्टमेंट डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स कैन बी फोरकास्टेड विद एनॉर्मिटी अंडर दिस अप्रोच। ठीक है, तीनों ही मैंने सिचुएशन आपको बता दी कि बॉटम अप अप्रोच होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है। तीनों में ही ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द पीपल डिसाइड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फर्दर प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वो कर लिया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा जो अप्रोच है दैट इज डेल्फी मेथड, इसे हम कहते हैं। बहुत ही कॉमन मेथड है, हम कह सकते हैं बहुत सारे हमारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं डेल्फी मेथड के थ्रू लिए जाते हैं। तो डेल्फी मेथड में क्या होता है कि द डेल्फी मेथड इज अ प्रोसेस यूज्ड टू अराइव एट अ ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्वेइंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें एक्सपर्ट्स पैनल लिए जाते हैं, मान लो 10 एक्सपर्ट्स को हमने चूज कर लिया, हु हैव एक्सपर्टाइज इन दैट स्पेसिफाइड फील्ड, उनको हमने चूज कर लिया। हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्ड टू सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स, and the responses are aggregated and shared with the group after each round. ये जो हमने 10 experts decide किए हैं, इनको हम क्या करते हैं, questionnaires पूछते हैं। questionnaires on the basis of कि जिसके basis पे वो लोग experts हैं उस specified field में, उनको ऐसे questions भेजे जाते हैं जो कि हमारी organization के requirement के according है। वो जो experts होते हैं उनको उस questionnaire को fill up करके वापस करना होता है to the organization। और ये जो 10 एक्सपर्ट्स हैं आपस में बात नहीं करते हैं, ये लोग आपस में पता नहीं होता है इनको कि कौन कौन से एक्सपर्ट्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो देयर अगेन वो अपनी तरफ से क्वेश्चनेयर फिल अप कर देते हैं और हमारे को भेजते हैं। देन उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको दोबारा से उसको समराइज करती है। वो जो 10 लोगों ने एक्सपर्ट्स ने ओपिनियंस भेजी है उसको समराइज करती है, अगेन उसको दोबारा से एक्सपर्ट्स के पास में भेजती है फॉर द रिव्यू। तो ये रिव्यू के लिए क्यों भेजा जाता है, ताकि ये जो प्रोसेस होती है उस समय तक फॉलो की जाती है जब तक कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब का जो नंबर्स है वो सेम ना आ जाए। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल 10 एक्सपर्ट्स हैं, किसी ने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 30 एम्प्लॉयज चाहिए, किसी ने 40 बोला, किसी ने 29 बोला, किसी ने 35 बोला, इस तरीके से वो जो फिगर आउट है जब तक कि वो एक फिगर ना आ जाए, एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर वो फिगर्स ना आ जाए, तब तक ये जो क्वेश्चनेयर होते हैं ये भेजे जाते हैं। देन अगेन इनको कंपाइल किया जाता है, इसको समराइज किया जाता है, देन दोबारा से उनको भेजा जाता है और समराइज करके उनको दोबारा से वो समरी भी भेजी जाती है कि इस तरह के ओपिनियंस आए हैं, और उन सबको वो समरी भेजी जाती है। अगेन वो लोग अपनी तरफ से दोबारा से रिव्यू करके उसको भेजते हैं। अनलेस एंड अंटिल ये प्रोसेस तब तक की जाती है जब तक कि हमारा जो सबका जो आंसर होता है वो सेम नहीं आ जाता। The experts can adjust their answers each round based on how they interpret the group response provided to them. फिर उसके बाद उनको group response जो भेजा जाता है, जो summary भेजी जाती है, वो क्या करते हैं? उसको दोबारा से review करते हैं और अपनी तरफ से adjustments करते हैं। Then the ultimate result is meant to be the true consensus of what the group think. उसके बाद last में जब वो हमारा consensus आ जाता है, which means कि जो 10 लोग हैं, 10 लोग एक ही figure बोलने लग जाते हैं, तो उस चीज को उस फिगर को मान लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड दैट इज अ डेल्फी मेथड, जिसमें कि हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं और उनके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उनमें होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंड रेशियो एनालिसिस। देखो, ट्रेंड रेशियो एनालिसिस नॉर्मली हमारे जो कॉलेजेस स्कूल कॉलेजेस होते हैं ना, वहां पे ये ट्रेंड रेशियो एनालिसिस यूज किया जाता है। मान लो जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं उस पे एक फैकल्टी होती है, मान लो 10 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इससे ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मान लो एक कॉलेज है उसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एवरी 10 स्टूडेंट्स में एक फैकल्टी होनी चाहिए या 40 स्टूडेंट्स में एक फैकल्टी होनी चाहिए,
एडवर्टीज टू वर्क का रेशियो बना देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि मान लो अगर एक कॉलेज है उसमें 100 स्टूडेंट्स है और जो रेशियो हमारे पास है वो 20:1 का है, मतलब 20 स्टूडेंट्स को एक तकियल की पढ़ा दी जाए। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 फैकल्टीज होने चाहिए। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, हम एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं। डिमांड फॉर मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्शन लेवल एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल। मान लो कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है, हमने कहा कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और अगर एक एम्प्लॉय 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो विच मीन्स कि आप मान लो कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और एक एम्प्लॉय मान लो कि 50 यूनिट वो करता है, तो उससे क्या होगा, हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये हम ये हमारा रेशियो जो बन जाता है 500:50 का बन जाता है और इसको हम अगर वो करते हैं तो ये हमारा 10:1 का रेशियो बन जाता है। तो 10:1 का रेशियो बन जाता है, इसका मतलब हर 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक एम्प्लॉय हमें चाहिए। तो उस तरीके से क्या होगा कि हम हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिटरमिन कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन। दिस रेशियो विल बी यूज टू एस्टिमेट डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड द फॉलो एग्जाम्पल विल हेल्प यू क्लेरिफाई अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्निक। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हमारे नेक्स्ट ईयर का 1,40,000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है। Estimated number of workers needed is, अगर हमारा जो रेशियो है that is 1:200 का है, तो इसका मतलब हमें कितने employees चाहिए होंगे, हमें 700 employees चाहिए होंगे या workers चाहिए होंगे उस units को produce करने के। ठीक है, तो ratio trend analysis में हम क्या करते हैं, हम एक ratio बना लेते हैं कि कितने units एक employee बना पाएगा, वो हमारा एक रेशियो बन जाता है। और उस यूनिट उस रेशियो से हम क्या करते हैं, हम हमारे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे उस रेशियो से उस रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी टेक्निक क्या है, वो टेक्निक क्या है, दिस मेथड यूजेस टाइम एंड मोशन स्टडी टू एनालाइज एंड मेजर वर्क। इसमें हम थोड़ा और स्पेशलाइज हो जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं। टाइम स्टडी का मतलब एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मान लो 5 लोग हैं तो उसे 5 डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे उस काम को, तो हर तरीके में लेकिन डिफरेंट टाइम लग रहा होगा। तो डिसाइड पहले एनालाइज करते हैं कि कौन से तरीके से सबसे कम टाइम लगेगा। दूसरा हम उसमें स्टडी करते हैं कि कौन से तरीके से सबसे कम मोशन लगेगा। मोशन मींस कि एक्टिविटी करने में, मान लो एक लेबर है वो डिफरेंट एक्टिविटीज, मान लो वो खोद रहा है तो उसको खोदने के डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से खोद रहे होंगे, तो वो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से तरीके से खोदेंगे तो हमारा सबसे कम मोशन होगा, या फिर वो जो इंडिविजुअल है वो कैसे सबसे जल्दी उसको खोद पाएगा। ठीक है, तो मोशन स्टडी का मतलब कि वो जो आप मोशन कर रहे होते हो उसको स्टडी करते हैं और उसमें डिटरमिन करते हैं कि कौन सा सबसे इजीएस्ट मोशन है जिससे कि ये काम सबसे कम टाइम में हो जाएगा और सबसे कम मेहनत करने से हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज के नंबर्स पता करते हैं। सच स्टडीज हेल्प द मैनेजर्स टू डिसाइड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर पर यूनिट। मान लो एक काम को कर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें कितना टाइम लगे। ठीक है, एंड पर यूनिट वर्क इन व्हेन इट इज पॉसिबल टू मेजर वर्क इन सेट स्टैंडर्ड्स द वर्क स्टडी मेथड, जहाँ पे और ये भी और उसी तरह के जो कामों में यूज हो सकता है जहाँ पर कि हम ये मेजर कर सके कि भाई ये काम जो है, या फिर एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर सके कि इस स्टैंडर्ड से ये काम हो पाएगा, तो उस तरह के कामों में इस तरह की जो मेथड है ये सबसे बेस्ट सूटेड। मोर सुटेबल फॉर रिपीटेटिव एंड मैनुअल जॉब्स, जहाँ पे मेहनत का काम करना होता है और जहाँ पे जो काम हो रहा होता है वो रिपीटेटिव नेचर का है, उस जगह पे वर्क स्टडी टेक्निक हमारी ज्यादा यूजफुल होती है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि हमारा प्लांट आउटपुट फॉर द नेक्स्ट ईयर है 50,000 यूनिट, हमने सोचा है कि हम प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट ईयर में। ठीक है,
एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है हमें, 2 घंटे लगते हैं मान लीजिए। अगर 2 घंटे लगते हैं तो 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितने घंटे लगेंगे, इसका मतलब 1 लाख घंटे लगेंगे। तो 1 लाख, बिकॉज 50 × 2 इज 1 लाख, तो 1 लाख हमारे को घंटे लगेंगे उस यूनिट्स को प्रोड्यूस करने। प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर इन द ईयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय एक साल में, क्योंकि हम ये पर ईयर वाला डेटा ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं कि एक एम्प्लॉय एक साल में कितने घंटे काम करता है। हमने राउंड फिगर में लिया है कि मान लो एक एम्प्लॉय एक साल में 2000 घंटे काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 1 लाख यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। एक आदमी अगर 2000 घंटे काम करेगा तो 50 लोग मिलके, तो विच मीन्स 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 50 लाख। विच मीन्स कि उस काम के लिए हमें कितने लोग चाहिए होंगे, 50 लोग चाहिए होंगे, ठीक है। दिस इज वर्क स्टडी टेक्निक। नाउ नेक्स्ट हमारा है इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल जो होता है, अंडर दिस मॉडल रिलेशनशिप इज एस्टिमेटेड बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स टू बी प्रिडिक्टेड। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन होते हैं वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स वो चीजें जो कि डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, और इंडिपेंडेंट मतलब जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। जैसे मान लो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें तो हमने क्या कहा है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड उसके कंपैरिजन में हमने क्या लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे मान लो सेल्स हो गई, टोटल प्रोडक्शन हो गई, वर्कलोड हो गया, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यूजिंग दीज मॉडल्स एस्टिमेटेड डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी प्रेडिक्टेड। इसके बेसिस पे, इन दोनों के रिलेशनशिप के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, हम उसके बेसिस पे एस्टिमेशन बता सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा मान लो वेरियस, मान लो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स के ज्यादा होने से हमारी सेल्स बढ़ती है, विच मीन्स कि वो हमारा वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। तो उसमें हम कहेंगे कि हमें ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स, अगर हमें ज्यादा बेचना है तो हमें ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिटरमिन करके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने चाहिए होंगे उसका एस्टिमेशन लगा सकते। तो होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस ऑल दीज मॉडल्स, एंड इसके साथ ही हमारे डिमांड फोरकास्टिंग के टेक्निक्स खत्म होते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो गिव योर रिव्यूज, गिव योर व्यूज सो दैट